please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के छपरा में स्कूल वैन पर बिजली का तार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई है जबकि करंट लगने से 6 बच्चे झुलस गए। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, स्कूल वैन बिजली का तार किस तरह से उस पर गिरा है, जिस तरह से बच्चों की मौत की खबर सामने आई? बिल्कुल, देखिए ये छपरा जिले का थोबल इलाका है जहां पर बच्चे अभी स्कूल वैन से पढ़ के स्कूल से वापस हो रहे थे और सभी हाई टेंशन वायर इन गाड़ियों पर गिरा है और उसके बाद से दो बच्चों की झुलसने से मौत हो गई है जबकि 4 बच्चे अभी गंभीर रूप से जख्मी है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसमें और जो बच्चे वैन में सवार थे उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको मामूली चोटें आई थी, उनको हल्का करंट लगा था, उनको इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन जो 4 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं छपरा के DM और जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जाँच हो रही है कि आखिर यह हाई टेंशन वायर इस वैन पर गिरा कैसे। शुक्रिया चंद्रमोहन। इसराइल के गाजा बॉर्डर पर सेना का एक ड्रोन वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आसमान से आंसू गैस के गोले गिराने लगा। इसराइल ने यह कार्रवाई तब की जब फिलिस्तीन की कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाजा बॉर्डर को पार कर उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां उड़ता हुआ एक ड्रोन पहुंचा और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले बरसाने लगा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। गैस से बचने के लिए बहुत से लोगों ने हाथों से चेहरा छिपा लिया, लेकिन इसराइल की इस कार्रवाई में करीब 30 लोग जख्मी हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां दवाइयों की कमी हो गई क्योंकि 2 दिन में अस्पताल में 500 से ज्यादा घायल भर्ती करवाए गए, जिसकी वजह गाजा बॉर्डर पर एक दिन पहले हुई इसराइल की बड़ी कार्रवाई बनी। 14 मई को फिलिस्तीन के हजारों लोगों ने गाजा बॉर्डर पार कर इसराइल में घुसने की कोशिश की। इसराइली सेना ने उन्हें रोकने के लिए गोली चलाई जिससे 59 प्रदर्शनकारी मारे गए और करीब 2700 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद फिलिस्तीन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया और इसराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा बॉर्डर की हिंसा को 2014 के बाद का सबसे खूनी दिन करार दिया, लेकिन इसराइल ने हिंसा के लिए फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास को जिम्मेदार माना और आरोप लगाया कि हमास ने ही प्रदर्शनकारियों को उसके देश में घुसने के लिए उकसाया। हालांकि यूरोप के कई देशों ने हिंसा की जांच की मांग की, वहीं संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने इसराइल को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने की सलाह दी। सवाल ये कि बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर गोली चलाना कितना सही था। बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में आए दिन हिंसक प्रदर्शन होते हैं जिन पर काबू पाने के लिए गोली चलाने के बजाय बहुत से कम हिंसक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं।